हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक एनिमेटेड सीरीज आर्केन, जिसमें दो ऐसी बहनों की कहानी दिखाई गई है जिन्हें किस्मत एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देती है। यहां आपको मिलेगा मैजिक, एक्शन और एडवेंचर का भरपूर डोज। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कहानी तो ऐसी सिटीज की है जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पेल टॉवर जो बहुत ही एडवांस और खुशहाल सिटी है, और दूसरी जाउन जो एक पिछड़ी हुई और अंडरग्राउंड सिटी है। पेल टॉवर जाउन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है और इसी वजह से उनके लोगों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है। तो शुरू के सीन में हम एक ब्रिज को देखते हैं जहां अंडरग्राउंड रेबल्स और पेल टॉवर के इन्फोर्सर्स के बीच एक ऐसी ही लड़ाई के आखिरी पलों को दिखाया गया है। तभी एक लड़की वाई अपनी छोटी बहन पाउडर के साथ वहां आती है और उनकी नज़र वेंडर पर पड़ती है जो रेबल्स का लीडर है। वेंडर उन्हें देखकर समझ जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही हैं, लेकिन पता चलता है कि उनके पेरेंट्स इस लड़ाई में मारे गए हैं। ये देखकर दोनों बहनें रोने लगती हैं और वेंडर अपने हथियार छोड़कर उन्हें अपने साथ ले जाता है। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है जहां हम वाई और पाउडर को देखते हैं जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी हैं और उनके साथ उनके एडॉप्टेड ब्रदर्स माइलो और क्लोकर भी हैं। पता चलता है कि ये लोग प्लीट ओवर सिटी में चोरी करने आए हैं और एक आलीशान अपार्टमेंट को अपना निशाना बनाते हैं। वो देखते हैं कि ये किसी इन्वेंटर का घर है और वहाँ पड़ी कीमती चीजों को अपने बैग में डालने लगते हैं। यहीं एक रूम में पाउडर की नज़र कुछ चमकते हुए क्रिस्टल्स पर पड़ती है जो देखने में बहुत कीमती लग रहे हैं, और तभी वाई को बाहर से किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत सबको वहाँ से निकलने को कहती है और पाउडर जल्दी से क्रिस्टल को अपनी जेब में रख लेती है। वो लोग बचकर भागने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में पाउडर की जेब से एक क्रिस्टल निकलकर नीचे गिर जाता है। क्रिस्टल की एनर्जी से वहाँ एक तेज धमाका होता है जिससे अपार्टमेंट का एक हिस्सा टूट जाता है और इन्फोर्सर्स उन्हें देख लेते हैं। वाई भी समझ जाती है कि वो मुश्किल में आ चुके हैं और इन्फोर्सर से बचते हुए वो चारों ओल्ड सिटी की ओर भागने लगते हैं। जल्दी ही वो ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं और एक गटर की मदद से फिसलते हुए बच निकलते हैं। वहाँ उनका सामना एक डेकट नाम के लड़के और उसके दोस्तों से होता है जो उन्हें अपनी लूट उनके हवाले करने को कहते हैं। वाई इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती और माइलो और क्लोगर के साथ मिलकर उनका मुकाबला करने लगती है। तभी एक लड़का पाउडर की तरफ बढ़ता है और वो लूट वाला बैग लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो उस लड़के को रोकने के लिए अपना बनाया एक बॉम्ब यूज करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर पाउडर लूट वाले बैग को पानी में फेंक देती है और उसे चकमा देकर वापस अपने ग्रुप के पास आ जाती है। माइलो लूट के जाने से बहुत नाराज होता है, लेकिन वाई को तो बस पाउडर की चिंता थी और वो उन सबको लेकर अंडरग्राउंड सिटी में आ जाती है। यहाँ हम वेंडर को देखते हैं जो अब एक बार चलाता है और इस जगह पर शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। वो भी इन चारों को आते देखता है और उनसे अपर सिटी में हुए उस धमाके के बारे में पूछता है। वो वाई पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि तुम्हारे एक्शन से पाउडर और तुम्हारे भाइयों की जान भी जा सकती थी। वाई उससे बहस करती है और कहती है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन वेंडर को डर है कि इससे इन्फोर्सर्स उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। आगे उसे पता चलता है कि इस रॉबरी की टिप उन्हें बेंजो के वहाँ से मिली थी और वो क्लोगर को लेकर उससे मिलने जाता है। इधर एक सीन में हम देखते हैं कि पाउडर को अपनी जेब से वो क्रिस्टल मिलते हैं और वो इसके बारे में वाई को बताने जाती है। वहाँ वो सुनती है कि वाई और माइलो उसके ही बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ माइलो उसे एक पनौती यानी जिंक्स कहता है। उसे लगता है कि जब भी पाउडर उनके साथ किसी मिशन पर जाती है तो वो हमेशा फेल हो जाते हैं, और ये सुनकर पाउडर उदास हो जाती है। उधर वेंडर बेंजो से मिलता है जो उसका पुराना दोस्त है और एक एंटिक सामान की शॉप चलाता है। वेंडर उसे बताता है कि बच्चों की इस हरकत से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और उसे किसी भी तरह इस बात को दबाना होगा। यहीं हम एक लड़के एको को भी देखते हैं जो बेंजो के यहाँ काम करता है, और उसकी और क्लोगर की बातों से पता चलता है कि रॉबरी की इन्फॉर्मेशन उसी ने इन्हें दी थी। वो बताता है कि कैसे अपर सिटी का एक बहुत ही अमीर आदमी उनके यहाँ कुछ सामान लेने आया था और उसी का पीछा करते हुए उसने उसके अपार्टमेंट का पता लगा लिया। तभी वो दो इन्फोर्सर्स को आते हुए देखते हैं जिनमें चीफ ग्रेसन और उसका डिप्टी मार्कस है, और ये देखकर क्लोगर वहाँ से निकल जाता है। ग्रेसन वेंडर से उन चोरों के बारे में पूछती है और कहती है कि जब तक वो नहीं पकड़े जाते तब तक पेल टॉवर काउंसिल चैन से नहीं बैठेगी। यहाँ समझ आता है कि ग्रेसन और वेंडर के बीच में एक समझौता हुआ था जहाँ उन दोनों ने एक दूसरे के काम में दखल ना देने का फैसला किया था। ग्रेसन उसे वो सौदा याद दिलाती है और कहती है कि अगर जल्दी ही वो चोर नहीं पकड़े गए तो काउंसिल इन्फोर्सर्स की पूरी फौज यहाँ भेज देगी। वेंडर फिर भी उसे मना कर देता है और ग्रेसन उसे एक डिवाइस देकर कहती है कि अगर
तुम्हारा मन बदल जाए तो इससे तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। यहीं एक सीन में हम एको को देखते हैं जो छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। इधर वाई पाउडर को उदास देखकर उसे समझाती है कि हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं और जब उन्होंने माइलो और क्लोगर को एडॉप्ट किया था तो वो भी उसी की तरह नादान थे। पाउडर भी उसे वो क्रिस्टल्स दिखाती है लेकिन वाई इन्हें फिलहाल सबसे छुपाने को कहती है ताकि इससे उनके लिए कोई और प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। फिर वो पाउडर को बताती है कि अगर हम मिलकर रहेंगे तो जल्दी ही पूरी सिटी उन्हें रिस्पेक्ट देने लगेगी। आगे हम उसी लड़के डेकर्ट को देखते हैं जो वाई और उसके ग्रुप से उनकी लूट छीनने गया था और पता चलता है कि इस काम के लिए उसे सिल्को नाम के गैंगस्टर ने भेजा था। सिल्को को डर है कि डेकर्ट को ढूंढते हुए वेंडर उस तक पहुंच जाएगा और इसीलिए वो अपने आदमियों से उसे छुपाने को कहता है। तभी सिल्को का साइंटिस्ट उसे बताता है कि उसका बनाया म्यूटाजिन सीरम जिसे वो शिमर बुलाते हैं अब तैयार है और ये सुनकर सिल्को उसे एक डेमो देने को कहता है। वो एक कैट को बड़े से कंटेनर में भेजता है जहां ऑलरेडी एक माउस बैठा हुआ है और कैट को अपनी ओर आते देख माउस एक पाइप से शिमर को पीने लगता है। देखते ही देखते उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो जाता है और एक शैतान में बदल कर वो उस कैट को मार डालता है। ये देखकर सिल्को को बहुत सेटिस्फेक्शन होता है और वो इस ड्रग को डेकर्ट पर टेस्ट करने को कहता है। तो इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका अगला एपिसोड भी आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।